हेलो स्टूडेंट्स, सो आई होप कि यू गाइज मस्ट हैव सेलिब्रेटेड द दीपावली फेस्टिवल वंडरफुली विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो आप सभी ने दीपावली के अवसर को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। और अब दीपावली के बाद आप सभी के लिए एक गुड न्यूज लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं। सो देयर इज अ गोइंग टू बी अ वेरी वंडरफुल गुड न्यूज फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज। आप लोग बहुत सेलिब्रेट करने वाले हैं इसके बाद। सो एज यू ऑल नो कि ऑन 15th ऑफ अक्टूबर योर एग्जामिनेशन ऑफ 2022 वॉज कंडक्टेड। सो 15 तारीख को आपका पेपर हुआ था 15 अक्टूबर को, और 16 अक्टूबर को जैसा भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑनली, ओके, बिकॉज मैं पेपर देने नहीं गया था। जो स्टूडेंट्स गए थे उसके बेसिस पर जो भी डिटेल्स मुझे दी गई थी कि पेपर कैसा लगा, अकॉर्डिंगली आई हैव गिवन अ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ओके। हमने एक एग्जाम एनालिस किया था। सो ऑन 16th ऑफ अक्टूबर देर वॉज अ यूट्यूब वीडियो दैट वॉज टेकन बाय मी, जहां पर मैंने एग्जाम एनालिसिस किया था एंड अकॉर्डिंग टू द रिव्यूज दैट आई हैव गॉट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ओके। जो रिव्यूज मुझे स्टूडेंट्स से ही मिले थे, उसी बेसिस पर एस्पिरेंट से मिले थे, उसी बेसिस पर मैंने कुछ कट ऑफ बताए थे एंड दे वर लिटिल हाई, ओके। सो मैं थोड़ा सा उससे वेरी करना चाहता हूं। प्रीवियसली जो मुझे स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन मिली थी, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनसे मैंने बात की थी सबने बोला था सर पेपर बड़ा इजी लगा था, ओके। और पेपर इजी था भी, ऐसा नहीं बोल सकते पेपर इजी नहीं था, बट कुछ ट्रिक है यहां पे जो उसके बारे में बात करूंगा आप सभी से। सो वो जो कट ऑफ मैंने बताए थे 16 अक्टूबर को, उससे मैं थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहा हूं एंड आई एम ब्रिंगिंग इट लिटिल लोअर। और उसके पीछे कुछ कारण सबसे पहले मैं बताऊंगा कि डिफरेंट कैटेगरी वाइज थोड़े थोड़े कट ऑफ कम जाएंगे। पहली बात, अगर मैं एग्जाम पेपर की बात करूं, बिकॉज एट दैट पीरियड ऑफ टाइम आई डिडंट हैव द पेपर, ओके, क्वेश्चन पेपर मेरे पास नहीं था। जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने बताए थे उस बेस पर आई हैव गिवन माय ओन एक्सपर्टीज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एनालिसिस एंड एवरीथिंग। सो वो डेटा परस्पेक्टिव से आई हैव गिवन ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना आ सकता है। बट नाउ आई हैव द एग्जामिनेशन पेपर शिफ्ट नंबर वन, शिफ्ट नंबर टू। सो आफ्टर गोइंग थ्रू अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ बोथ द पेपर्स, ओके, 22 तारीख को आपका पेपर आ चुका था 21-22 में, और उसके बाद से 3-4 दिन उसको एनालाइज करने के बाद, नाउ उसको अच्छे समझने के बाद आई हैव सीन कि यस पेपर वॉज इजी, क्वेश्चन वॉज ऑल्सो डायरेक्ट, बट देयर वर सम स्मॉल ट्रिक्स जो स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन को सही से गलत की तरफ लेके चले गए। मतलब क्वेश्चन लग रहा था कि आपको आता हुआ, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे उसमें हर चीज जानी पहचानी लग रही थी, बट वो जानी पहचानी इन्फॉर्मेशन में कई जगह आपने टिक तो किया है बट वो आंसर जो है जब आंसर की में आया तो पता चला अरे मैं तो कुछ और सोच रहा था, निकला कुछ और है, ठीक है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। एक क्वेश्चन आया था कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह आश्रम कहां था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आश्रम कहां बनाया था, ठीक है। सो बहुत सिंपली बहुत सारे लोगों ने फोनिक्स लगा दिया, फोनिक्स सेटलमेंट सबको पता है, बट एक छोटा सा ट्रिक था उस क्वेश्चन में कि गांधी जी का पहला भारत में सत्याग्रह आश्रम कहां था, मतलब इसलिए पहला आश्रम उन्होंने भारत में कहां बनाया था, उसका आश्रम कुछ रब था, उसका आंसर कुछ। तो ऐसी कई जगह हुआ है कि जाने पहचाने क्वेश्चन जिसके आंसर आपको आते थे बट थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के कुछ मार्क्स कटवाए गए हैं आपके एनटीए के द्वारा, मतलब उन्होंने थोड़ा सा गेम अच्छा खेला है। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई हैव सीन कि क्वेश्चन पेपर उतना क्वेश्चन इजी थे बट थोड़ा सा ट्रिक था, थोड़ा सा इजी लेवल के क्वेश्चन कम हो गए, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ज्यादा है, और टफनेस भी थोड़ी सी, टफनेस बहुत ज्यादा नहीं थी बट हाँ थी, मतलब मेजरली क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन थे जहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा थे, ठीक है। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर सिनेरियो इन द करेंट परस्पेक्टिव, ओके, उन चीजों को ध्यान में रखने के बाद आई वुड बी सेइंग कि जो आपका परसेंटेज स्कोर है वो थोड़ा सा इस बार कम जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने एनालाइज किया लास्ट टाइम से, लास्ट टाइम द कट ऑफ वॉज समवेयर डाउन द लाइन फॉर 70-71 फॉर द जनरल कैटेगरी, ओके, एंड अकॉर्डिंगली फॉर अदर कैटेगरीज ऑल्सो थोड़ा थोड़ा कम करके, बट दिस टाइम कट ऑफ उससे कम जाएगा। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि लास्ट टाइम देर आई वॉज टीचिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स बायजूस एग्जाम प्रेप में पढ़ रहे थे और इस बार भी उतने ही पढ़ रहे हैं, सेम वही क्वांटिटी, उससे ज्यादा ही क्वांटिटी है। सो लास्ट टाइम आई हैव गॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सेज जहां पे स्टूडेंट्स ने कहा था, करीबन 30-40 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बहुत श्योरली ये बोल रहे थे सर मेरा स्कोर 110 प्लस क्वेश्चन मैंने सही हुए, मतलब प्रोविजनल आंसर की देखने के बाद देवर सेइंग कि सर 110 से ऊपर क्वेश्चन सही जा रहे हैं एंड दैट वॉज अ गुड न्यूज ऑब्वियसली, ओके। सो जो 2021 की बात कर रहा हूं, इस बार वाले की पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, सो वहां से जो उसी हिसाब से कट ऑफ भी गया और रिजल्ट भी आया, बट दिस टाइम जो मेरे पास रिस्पॉन्स आए कि सर मेरा कितना स्कोर जा रहा है, ओके, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट इज सेंडिंग मी द मैसेज कि सर मेरा इतना स्कोर आ रहा होगा कि नहीं होगा, ओके, ये आपने भी देखा है कि टेलीग्राम पे जो पॉलिटिकल साथी ग्रुप पे भी उसमें बहुत सारे मैसेज आए, सो अकॉर्डिंगली मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं, तो उसमें जितने ही मैसेजेस आए आई हैव सीन कि 110 का जो 110 करेक्ट क्वेश्चन टच करने वाले स्टूडेंट्स की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है।
जितना पिछली बार था कंपेरेटिवली रिलेटिवली, सो वो इम्पैक्ट मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन पेपर इजी था बट उसमें कुछ ऐसी छोटी छोटी ट्रिक थी जहां पे जानी हुई चीजें गलती हुई है और सबसे हुई है, ठीक है, ये सिर्फ कुछ कुछ स्टूडेंट्स नहीं सभी से हुई है। सो उस हिसाब से परसेंटेज थोड़ा सा कम जाएगा। अब बात करते हैं सीधे सीधे कट ऑफ की, ठीक है। सो नाउ द मेन पॉइंट ऑफ टूडे सेशन इज टू अंडरस्टैंड वॉट कैन बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ओके, तो सबसे पहले सीधे सीधे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूंगा कि जेआरएफ के लिए कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा और नेट के लिए कितना होगा, ठीक है। सो जेआरएफ के लिए आफ्टर गोइंग थ्रू अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द पेपर एंड द स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज, ओके, स्टूडेंट्स के क्या रिस्पॉन्सेज, उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उन्होंने जो इवेल्यूएशन किया है, आई वुड बी सेइंग फॉर द स्पेशली फॉर द जनरल कैटेगरी 68% वुड बी अ गुड थिंग फॉर जेआरएफ। ओके, फोकस ऑन दिस थिंग। ओके, अभी मैं स्क्रीन पे आपको पूरा दिखाऊंगा, अभी स्क्रीन पे आपको एक फोटो दिखेगी उसमें सारे कैटेगरी वाइज लिखा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जनरल कैटेगरी के लिए 68%, 102 क्वेश्चन अगर आपके सही है, सो देर आर चांसेस दैट आपका जेआरएफ हो जाएगा, ठीक है। तो हर चीज के नीचे जो आपको फोटो दिखेगी उसमें परसेंटेज दिखेगा और नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन, ओके, एक ग्रीन बॉक्स में नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे, कितने क्वेश्चन करेक्ट होने पर यू कैन गेट जेआरएफ। ओके, सो जनरल कैटेगरी का मैंने आपको बता दिया, इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 65%, ओबीसी कैटेगरी का 66%, एससी कैटेगरी का 58%। सो अकॉर्डिंगली आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। बाकी अभी आपकी स्क्रीन पे इसी वीडियो में आपको एक फोटो दिखेगी जहां पे हर कैटेगरी वाइज कट ऑफ एज वेल एज नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन अवेलेबल होगा। ओके, नाउ आफ्टर सीइंग दिस, नाउ सिमिलरली फॉर द नेट कैटेगरी ऑल्सो। ओके, तो ये तो हो गया आपका जेआरएफ के लिए, ठीक है। तो जेआरएफ का कितना कट ऑफ जा सकता है एक्सपेक्टेड मेरे हिसाब से। नाउ अबाउट द नेट कैटेगरी, सो अगेन फॉर द नेट कैटेगरी, फॉर द जनरल कैटेगरी आई वुड से 59%, इट मींस कि 89 क्वेश्चन, ओके, 88-89 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट है आउट ऑफ 150, यू आर गुड टू गेट जेआरएफ दिस टाइम, सॉरी नेट, माई मिस्टेक, नॉट जेआरएफ, नेट। ओके, तो 59% पे आपका, मतलब पिछली बार 60+ पे हुआ था बट इस बार 59 पे भी आपका नेट जो है क्वालिफाई हो जाएगा। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस के लिए 54% समथिंग इनफ है, ओबीसी के लिए 55%, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 49%, और बाकी जो डिटेल्स हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 150। ओके, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में कंफ्यूज हो गए, सर कितने क्वेश्चन में से, 100 क्वेश्चन में से नहीं, ये मैं ओवरऑल कट ऑफ बता रहा हूं आपको। ओके, दीज कट ऑफ दैट आई एम टेलिंग यू दैट इज ओवरऑल आउट ऑफ 150 क्वेश्चन, पेपर वन प्लस पेपर टू। तो ये मत सोचिएगा इस तरह मैं पॉलिटिकल साइंस का बता रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस का पेपर साथ में हुआ था पेपर उनके, तो उसके साथ कंबाइन करके 150 क्वेश्चंस। ओके, सो आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस हाउ मेनी क्वेश्चन इफ यू हैव करेक्टेड देन यू विल बी गेटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ परसेंटेज एंड यू विल बी क्रैकिंग नेट और जेआरएफ रिस्पेक्टिवली। ओके, सो वो नंबर पूरा आपकी स्क्रीन पे अभी देखेगा आपको। सो दिस इज द गुड न्यूज दैट आई वांट टू टेल यू गाइस। सो आप सभी ने स्कोर्स देख लिए हैं और अपने मैच भी कर लिए होंगे कि आपके क्या चांसेस हैं, तो थोड़ी सी उम्मीद जागी होगी, पॉजिटिविटी आई होगी, एंड अगेन आई एम वेरी श्योर कि इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। पेपर थोड़ा सा टफ था, ट्रिकी वे में बोल सकता हूं, इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं थी, आपको नॉलेज था बट नॉलेज को बहुत थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछा गया, कहीं कहीं कंफ्यूज किया गया है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी थे और कुछ क्वेश्चन थोड़े से इजी होते हुए उसको मॉडरेट या फिर टफनेस लेवल पे लेके गया है, तो अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग। एंड आई होप कि आप सभी के जो स्कोर है वो जो भी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है उसके हिसाब से, और डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको फाइनल आंसर की भी मिलेगी। एंड आप लोगों ने चैलेंजेस वगैरह कर ही दिए हैं ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू द प्रस्पेक्टिव जो हमने डिस्कस किया है, तो चैलेंजेस वगैरह का टाइम खत्म हो चुका है क्वेश्चन आंसर की को चैलेंज करने का। नाउ वी आर जस्ट वेटिंग सिंपली फॉर द फाइनल आंसर की एंड देन ऑब्वियसली द रिजल्ट्स। ओके, सो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर द रिजल्ट्स एंड क्विकली शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अगर सेशन पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिससे वो भी थोड़ी सी क्लियरिटी जान सके, बिकॉज अभी घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, अभी सभी को घबराहट हो रही है, मेरे पास बहुत सारे घबराहट भरे मैसेज आ रहे हैं जहां पे स्टूडेंट्स एंशियस हैं कि सर क्या किया जाए, बिकॉज लाइक ये जो टाइम पीरियड होता है ना अनसर्टेनिटी का होता है। ओके, सो इन अनसर्टेनिटी में इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प योर फ्रेंड्स एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम सो दैट दे कैन ऑल्सो हैव सम रिलैक्सेशन विद इन माइंड, तो किसी का हार्ट अटैक वाली बीपी ना बढ़े, तो इसलिए अपने दोस्तों तक ये मैसेज जरूर पहुंचाएगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू द बायजूस एग्जाम प्रेप चैनल। बाय बाय।